Today I am going to tell about general characters of verses. Verses के सामान्य लक्षण। Verses की खोज का श्रेय 1892 में रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की को जाता है। Verses में दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, सजीवों के भी और निर्जीवों के। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्जीवों के कौन कौन से लक्षण हैं। प्रॉपर्टीज आर वर्स रिजेंबलिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात निर्जीव के कौन कौन से लक्षण में मिलते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर है वर्सों में सजीव जैसे संकन नहीं होते, इनमें केवल दो सजीव शरीर में बनने वाले संकन के पदार्थ होते हैं, उनमें से केवल दो ही पदार्थ के बने होते हैं, केवल इनवॉल्विंग न्यूक्लिकेशन न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से ही ये बने होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के पदार्थ सजीवों जैसे इनमें नहीं पाए जाते। दूसरा जो कैरेक्टर है इनमें न्यूक्लिक एसिड जो है, ये सजीवों में देखा जाए कि ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल एसिड उपस्थित होता है लेकिन एक ही होता है, आइदर डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल इनमें नहीं पाए जाते हैं। और इनमें देखा जाए तो तीसरा जो कैरेक्टर है साइटोप्लाज्म, उसका ग्रह कोशिकांग मिसेलेनियस कहा जाता है, एंड सेल मेम्ब्रेन कोशिका करा, ये सब क्या होते हैं, सजीव में पाए जाते हैं लेकिन वर्षों में ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। सजीवों में उपापचयी क्रियाएं को पूर्ण करने के लिए उपापचयी एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में मेटाबॉलिक एंजाइम उपापचयी एंजाइम ये अब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। अगला लक्षण जो है सजीव ये जो वायरस होते हैं इनको जैसे रेत है इसे लोग बालू कहते हैं, और चीनी है नमक है इनको बोतलों में भर करके काफी दिनों तक रखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार निर्जीव पदार्थ जैसे इनमें लक्षण पाए जाते हैं, इनका क्रिस्टलीकरण करके जो है बोतलों में काफी दिनों तक रखा जा सकता है, निर्जीवों के लक्षण भी प्राप्त होते हैं। और सजीवों में वृद्धि होती है लेकिन वायरसों में कोई ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ कैसा होता है, अब्सेंट। तो दीज आर मेन कैरेक्टर्स अबाउट रिजेंबलिंग नॉन लिविंग, अर्थात निर्जीवों के कौन कौन से लक्षण है ये सब। अब कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस रिजेंबलिंग लिविंग ऑब्जेक्ट, सजीवों जैसे कौन से लक्षण इनमें पाए जाते हैं, इनमें जैसे सजीवों के आकार और आकृति जो शरीर होता है वो निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार से साइज परमानेंट इनका भी आकार और माप ये सब निश्चित होता है, सजीवों जैसा लक्षण पाया जाता है। दूसरा सजीवों में डीएनए का द्विगुणन होता है, और ठीक उसी प्रकार डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए लिविंग ऑब्जेक्ट सजीव की तरह इसमें भी डीएनए का द्विगुणन होता है, तो सजीवों के दूसरे लक्षण होते हैं। सजीवों में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक उसी प्रकार वायरस के ऊपर जो प्रोटीन की खोल होती है कैप्सिड कहते हैं, तो उसमें प्रोटीन के द्वारा बना होता है, तो प्रोटीन के निर्माण के लिए प्रोटीन जो संश्लेषण होता है ये सजीवों की भांति ही होता है, इस तरह सजीवों के लक्षण होते हैं। और सजीवों में जिस प्रकार के जीन्स में उत्परिवर्तन होते हैं जिन्हें जीन म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार जीन के द्विगुणन के समय इनमें भी उत्परिवर्तन पाया जाता है वायरसों में। और ये कोशिका के अंदर रोगजनक परजीवी के रूप में जैसे अन्य सजीव दूसरे में परस्पर जीवी होते हैं दूसरे के शरीर में रोग फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार अंतःकोश की ये रोगोत्पादक परजीवी होते हैं, कोशिकाओं के अंदर ये रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, दे आर नॉन लिविंग आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन यदि किसी सजीव के शरीर के अंदर से ये बाहर है, किसी शरीर के अंदर नहीं है, तो कैसा व्यवहार करते हैं, नॉन लिविंग निर्जीव की तरह ये व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको वायरस का नाम दिया गया है। तो दैट्स ऑल दीज आर मेन प्रॉपर्टी अबाउट वायरसेस।